हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट सिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस रहेंगे 2020 में होने वाली एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो, ठीक है। उसके पहले मैंने इसके 3-4 वीडियो बनाए हैं, तो आप वो क्वेश्चन आंसर भी देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, 1 गैलन बराबर कितने लीटर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.546, ठीक है, 4.546। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.18, ठीक है, 4.18। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने वाट की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 230 वाट, ठीक है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 230 वाट की होती है, और हमारे जो खेतों में जो सप्लाई जाती है वो 440 होती है, ठीक है, 440 वाट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल डाला जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंथेटिक ऑयल। ट्रांसफार्मर में सिंथेटिक ऑयल डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कनेक्शन होता है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कनेक्शन होता है, लेफ्ट जोड़, प्राइमरी, सेकेंडरी या दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कनेक्शन होते हैं, ठीक है। जो कनेक्शन सप्लाई से जुड़ा होता है वो प्राइमरी कनेक्शन होता है, और जो लोड से जुड़ा होता है वो सेकेंडरी कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0 ओम, 5 ओम, 10 ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 ओम। अर्थ का प्रतिरोध 0 ओम होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैंने अर्थ का एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें आपको अर्थ बनाने की पूरी विधि, अर्थ क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अर्थ क्यों बनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से ELCB का फुल फॉर्म है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ELCB का फुल फॉर्म है। दोस्तों मैंने ITI इलेक्ट्रिशियंस के 50 फुल फॉर्म का वीडियो भी बनाया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रखी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको सभी इलेक्ट्रिशियंस के फुल फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है LT लाइन, ST लाइन, MT या EST, ठीक है। LT का मतलब होता है लो टेंशन, और ST का मतलब होता है हाई टेंशन, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा LT, ठीक है, 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है LT लाइन, ठीक है, लोटेशन। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टता की लिए किया जा सकता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 66 किलो वोल्ट, ठीक है, 66 किलो वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः बस बार को से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2.75 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी 2.75 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिरोपरि लाइन में नंगे तारों की अपेक्षा 4 कोर इंसुलेटेड केबल प्रयोग करने का मुख्य लाभ है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन क्षति में कमी, ठीक है, क्या करेगा ये, लाइन क्षति में कमी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक विश्वसनीय वितरण पद्धति है। ऑप्शन ए रिंग मेन पद्धति, ऑप्शन बी रेडियल पद्धति, ऑप्शन सी ट्री पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियल पद्धति, ठीक है, सबसे विश्वसनीय पद्धति है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से CFL का फुल फॉर्म क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है, ये CFL का फुल फॉर्म है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कोरोना प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है। देखिए ये कोरोना प्रभाव ये कोई वायरस नहीं है, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। तो देखिए ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो कोरोना है ये ITI का है क्वेश्चन से, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा चालकों का व्यास बढ़ाकर, ठीक है, कोरोना प्रभाव को चालकों का व्यास बढ़ाकर कम किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत वितरण सिरोपरी लाइन में आजकल किस प्रकार के खंभों का प्रचलन है। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, लकड़ी के खंभे, रेल लाइन प्रकार के खंभे, ट्यूबुलर खंभे और RCC खंभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्यूबुलर खंभे, जो कि आजकल अधिक प्रचलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है RCC का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिमोट कंट्रोल केबल्स, ठीक है, ये RCC का फुल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर कंडक्टर में कोरोना हानि होती है न्यूनतम, अधिकतम, मध्यम, शून्य। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम, सर्कुलर कंडक्टर में कोरोना हानि अधिकतम होती है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद है वितरण लाइन में कितने लंबाई तक की धारिता को शून्य माना जाता है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वितरण लाइन में कितने लंबाई तक की धारिता को शून्य माना जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 230 किलोमीटर। तो 230 किलोमीटर की लाइन को की धारिता को शून्य माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बल का SI मात्रक क्या है, समय केल्विन न्यूटन फेराडे। देखिए ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और ITI एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो बल का SI मात्रक हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन, ठीक है, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से किस टर्बाइन की गति 10,000 RPM होती है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कापलान, ठीक है, टर्बाइन की गति 10,000 RPM होती है, कापलान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए माइक्रो हाइडल पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पशुओं के गोबर व कूड़े कटकट से बनाई गई गैस कहलाती है, मीथेन गैस, बायोगैस, कोल गैस, LPG गैस। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन गैस, ठीक है, पशुओं के गोबर व कूड़े कटकट से मीथेन गैस बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, बायोगैस ऊर्जा से, ज्वार ऊर्जा से। तो किससे फैलता है, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा से, ठीक है, पवन ऊर्जा से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेल्टन टर्बाइन सामान्यतः होती है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, झुकी हुई, किसी भी स्थिति में। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षैतिज, ठीक है, पेल्टन टर्बाइन सामान्यतः होती है क्षैतिज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कालपान टर्बाइन रनर में ब्लेडों की संख्या सामान्यतः होती है। देखिए चार ऑप्शन जो है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 3 से 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 से 6, ठीक है, 3 से 6 कापलान टर्बाइन रनर में ब्लेडों की संख्या होती है, कितनी होती है, 3 से 6, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। और अगर आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमसे जुड़ जाएं और पास में लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे।